बाजू। आप बोलोगे एक किलोमीटर पीछे चलिए वहाँ चलूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा जैसे आपको मैं यहाँ रहूंगा सम्मान सर आप कोई ये सम्मान कर रहे हैं आप। आपने तिरंगा यात्रा की परमिशन कैंसिल कर दी, आप बता रहे हैं अवैध है तिरंगा, भारत में तिरंगा नहीं निकालेंगे, अवैध नहीं कहा गया, अवैध कहा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेटर आ गया मेरे पास अवैध नहीं, आप लोगों को कोर्ट में ले जाएंगे, अवैध नहीं कहा, तिरंगा यात्रा अवैध है आपने आपके यहाँ लिखा गया है सर, इसमें अवैध नहीं लिखा हुआ है, सम्यक विचारों पर परंपरागत त्योहारों पूर्व से अवैध, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, मेरा वाला लेटर दिखाओ, अवैध नहीं सर, यही डिनाई किया, मेरे जो लेटर है मेरे पास भी है, ये डिनाई किया गया सर, सारी पार्टियों को परमिशन है, हमारी परमिशन कैसे, आज के लिए आप किसी और दिन कर लीजिए सर, नहीं नहीं आज के लिए हमारी आज की हमारी पार्टी से आप लोगों को क्या नफरत है, इस सरकार आज त्योहार इस सरकार को क्या नफरत सर, श्रीलंकन डेलीगेशन आया हुआ है 125 लोगों का, उसके लिए काफी सारे फोर्स हमारे लगे हुए, हमारे किसी भी कार्य आपके फोर्स की हमें जरूरत ही नहीं, हम तो शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, शांति भंग की आशंका इसीलिए, नहीं नहीं तिरंगा यात्रा तो शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही है सर, लखनऊ में हुई, नोएडा में हुई, आगरा में हुई, अयोध्या में हुई, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, वाराणसी में क्यों प्रॉब्लम है, आज के दिन की सर दिक्कत, वाराणसी में क्यों, और पांच पांच दस दस हजार बीस बीस हजार लोगों की यात्रा हुई, कहीं एक हिंसा कहीं एक कंकड़ नहीं चला, आज के दिन की दिक्कत है, अब आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करना दीजिए। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं वाराणसी में हूँ, कल अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलकर पूरी रात यात्रा करके वाराणसी पहुंचा, यहाँ पर तिरंगा यात्रा थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तिरंगे से डर लगता है, आदित्यनाथ जी की सरकार को तिरंगे से डर लगता है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ जब आगरा में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, 524 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, तो इसलिए तिरंगा यात्रा क्यों विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका इतिहास तिरंगे का विरोध कर रहा है। 52 साल तक RSS के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा भारत की आन बान और शान है, तिरंगे के खिलाफ जो लोग हैं उनका चेहरा आज बेनकाब हुआ है, उत्तर प्रदेश में हत्या करने की छूट है, डकैती करने की छूट है, किसी को घर में घुसकर मार देने की पुलिस हिरासत में मार देने की छूट है, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने की छूट नहीं है। तिरंगे से इतना डरती क्यों है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, तिरंगा भारत की आन बान और शान है, और इस तिरंगे को फहराने से, इस तिरंगे को हाथ में लेकर चलने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और जितनी बार भी ये रोकने का प्रयास करेंगे इनका काला चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने आएगा। जय हिंद इंकलाब।